दोनों हीरोइन है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाइए भाई, थोड़ा पीछे जाइए भाई, नहीं वो लग रहा नहीं है, थोड़ा पीछे जाइए, रोल है रोल है रोल है जी, ये मेरी पहली फिल्म है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसके पहले मैंने एक मूवी सर के साथ की है, उसके बाद सर ने मुझे चांस दिया चलिए, और इस मूवी में मैं बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ जिनकी मूवी मैं देखा करता था अभी तक, तो मूवी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसमें हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, हमने आउट ऑफ कंट्री भी शूट किया है और एक्शन है बहुत सारे, मतलब दर्शकों को काफ़ी भरपूर मजा आएगा इसमें। दो दो हीरोइन मिली आपको? तीन हीरोइन, तीन हीरोइन पायस पंडित, पहले मैंने दो मूवी किया था, एक मुन्ना मोहाली और एक दुश्मन शरद पार के, तो उसमें मेरे मुझे कोई हीरोइन नहीं थी, तो सर ने तीसरी में तीनों का कोटा पूरा कर दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मैं इस फिल्म की दुबई शूटिंग किया हूँ, एक शेड्यूल वहाँ किया हूँ, 8 दिन शूटिंग वहाँ करके आया हूँ, 4 गाने वहाँ पिक्चराइज किया हूँ, एक्शन सीन किया हूँ और बुज खलीफा तो मैडम ने इसमें मुझे मतलब बुज खलीफा जैसा लंबा आपने हीरो ढूंढ लिया, बुज खलीफा जितना लंबा उतना लंबा हीरो ढूंढ लिया। हाँ, और मुझे लगता है लंबी पारी खेलेगा भी ये मेरा हीरो जो है, लंबी पारी खेलेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट का और इलाहाबाद के पास में है। भोजपुरी से कैसे जुड़ा अगर बताएंगे? भोजपुरी से एक्चुअली एक्टिंग में पिक्चर का नाम आ रहा है, स्ट्रगल चल रहा था, अचानक मेरी मुलाकात सर से हुई और सर ने अपनी पहली फिल्म में मुझे अपॉर्चुनिटी दी, उसमें शरद पार के। आप मुन्ना मोहाली में भी नजर आए थे? जी सर, सर ने ही मुझे उसमें कास्ट किया था मुन्ना मोहाली में भी, और आफ्टर दैट वो मूवी के हिट होने के बाद उसमें सर ने मुझे, उस फिल्म में इनका काम देखने के बाद ही मैं इस फिल्म में इनको कास्ट किया, और मुझे लगा कि एक लंबा आदमी चाहिए, लंबा आदमी मैं फैन हूँ, अमित जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, तो लंबा आदमी लंबा हीरो को मैं बहुत दिल से पसंद करता हूँ, इतना लंबा हीरोइन को भी इतना लंबा चांस दिया कि एक साथ 3 हीरो ने उतार दिए इनके लिए। एक्चुअली सर जब मुझसे पहली बार मिले थे तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं सर से मिलने के लिए जा रहा था तो मतलब मैं सर के पास जा रहा हूँ और दौर से 3-4 मिनट तक देख रहे थे करके, जब पहली मूवी उन्होंने मुझे कास्ट किया था दुश्मन शरद पार्क में, और फिर इस मूवी में सर ने मुझे चांस दिया है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी मेहनत किया है बाकी की ऑडियंस को अच्छा लगे। आप शूटिंग के समय किस हीरोइन के साथ सबसे ज़्यादा नर्वस होते हैं? मैं बोलूँगा नहीं, बाकी आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। मतलब पूनम, पूनम के लिए लगती है फिर तो पूनम के साथ नर्वस नहीं? एक्चुअली काफ़ी सीनियर